नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आपका प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश हमेशा चुनाव की गतिविधियों से घिरा रहता है, सरगर्मी हमेशा चलती रहती है। कारण ये भी है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है वो समय समय पर बदलाव हुए होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं और उनमें परिवर्तन भी आते रहते हैं। समीकरण परिवर्तन क्यों आते हैं इसका भी एक कारण है कि कभी यहाँ पर प्रधानी चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी निकाय चुनाव होता है, कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी राज्यसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है और देश में जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ी रहती हैं। क्योंकि गुजरात चुनाव की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की चुनाव की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर चुनाव की बात करें, चाहे अभी हाल में ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, तो सरगर्मियाँ चलती रहती हैं और चलता रहता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। मुद्दे चाहे धार्मिक हो चाहे चुनावी हो, पर सीधा सरोकार आम जनता से होता है क्योंकि जनता भी इसमें विशेष रुचि रहती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में इस समय जो निकाय चुनाव है उसको लेकर पार्टियों में तैयारी चल रही है। बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड पर है और बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अब निकाय चुनाव को लेकर रणनीति के मंथन में है। लगातार मंथन चल रहा है किस तरह चुनाव लड़ना है और क्या रणनीति होनी चाहिए इस निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये निकाय चुनाव 24 का सेमीफाइनल है। हालांकि 24 चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल भी कई राज्यों में होने, इस साल भी कई राज्यों में होने हैं, पर यहाँ पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है, 80 लोकसभा सीटें हैं और कहा जाता है अगर उत्तर प्रदेश में आपने अपना परचम लहरा दिया तो फिर केंद्र में सरकार बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा हुआ भी है क्योंकि आंकड़े इस बात के प्रमाण हमेशा से रहते आए हैं। फिलहाल जो आज का मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निकाय चुनाव अहम चुनाव है, बड़ा चुनाव है। 17 की बात करें तो पिछली बार 652 शहरी निकाय के लिए चुनाव हुए थे, इस बार 734 निकाय के लिए चुनाव होंगे। 82 निकाय इस बार बढ़ गए हैं। परिवर्तन, एक नगर निगम बढ़ा है, जो पिछली बार 16 नगर निगम होते थे इस बार 17 नगर निगम है। पिछली बार 17 में 198 नगर पालिका होती, इस बार 200 नगर पालिका के लिए चुनाव होना है। पिछली बार 17 का चुनाव 438 नगर पंचायतों में हुआ था और इस बार 517 नगर पंचायतों में होना है, यानी पिछली बार 652 निकाय और इस बार 734 निकाय अहम। पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ तैयारियाँ हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो दल है वो आपसी मतभेद से परेशान है। सुभाषपा की बात करें तो सुभाषपा में इस समय महेंद्र राजभर जो कि उपाध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी, उनके साथ कई और लोग भी चले गए। सुभाषपा जो 22 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी उसने भी समाजवादी पार्टी को इतनी सलाह दी कि आखिर में अखिलेश यादव उनकी सलाह मान मान के थक गए और उनसे भी उनका गठबंधन जो है वो टूट गया। प्रसपा की बात करें तो प्रसपा एक सीट थी जीत कर आए थे, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी उनको और यहाँ पर आदर मिलेगा, पर वो आदर की उम्मीद करना उनका बेमानी था और आखिरी में प्रसपा ने भी ये व्यवस्था कर दी कि अब प्रसपा भी अलग चुनाव लड़ने जा रही है। और साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसपा ने भी हाल में ही यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत कर दी है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब वो समाजवादी पार्टी के खेमे में, यानी जो परंपरागत वोट है मुस्लिम वर्ग और यादव वर्ग, उसमें सेन लगा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी अब भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपने लोगों में उत्साह जगा रही है। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, आज भी हमलावर थे और कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जगाने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए इस तरह की यात्रा का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। हालांकि विपक्ष के निशाने पर कांग्रेस है और विपक्ष का कहना है कि पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा का आयोजन करें, पहले कांग्रेस जोड़ लें उसके बाद फिर आप भारत जोड़ो यात्रा करें, क्योंकि भारत जुड़ा हुआ है, इसके लिए आपको किसी जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं है। हाँ, कांग्रेस जरूर टूट रही है, उसके लिए आप जोड़ने की जरूर कोशिश कर सकते हैं, तो अहम यहाँ पर है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, उनकी अलग रणनीति चल रही है, तो भाई आम आदमी पार्टी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में भी इसका अगर परिणाम की बात करें तो लगभग जो नगर पंचायत थी वो वहाँ पर दो उनके चेयरमैन जीते थे, पार्षद वहाँ पर 19 जीते थे, जो नगर पालिका थी वहाँ पर उनके 17 पार्षद जीते थे। तो आम आदमी पार्टी का भी
जो काम था वो बेहतर था और पहली बार चुनाव में उतरे थे 17 के, और प्रदर्शन बहुत ख़राब नहीं मानेंगे पर बहुत अच्छा भी नहीं मानेंगे। पर जिस तरह से 2022 में आम आदमी पार्टी की स्थिति हुई, एक भी सीट नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं ये माना सकता है कि क्या आपकी तैयारी, क्या आपकी सफलता केवल निकाय चुनाव तक है? बड़े चुनावों में आपका कोई रोल नहीं रहता है। आप बातें बड़ी करते हैं, दावे बड़े करते हैं, घोषणाएं बड़ी करते हैं, पर वो जो घोषणाएं दिल्ली वाली हैं वो दिल्ली तक ही सीमित रह जाती है। उन घोषणाओं का उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जनता वही करती है जो जनता का मन करता है, कि जनता जनार्दन है और जनता जिसको वोट देना चाहती है वोट उसी को देती है, सरकार उसी की बनाती है। सबसे अहम यहाँ पर जिस तरह से एक रणनीति है कि कौन चुनाव कैसे लड़ेगा, क्योंकि सुभाषपा में मतभेद, आरएलडी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। आरएलडी के अभी हाल में ही रामाशीष राज प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आरएलडी अकेले चुनाव लड़ेगी निकाय का। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर कहीं पर जिलाध्यक्ष आरएलडी के और समाजवादी पार्टी के अगर मिलकर ये प्रत्याशी उतारने के भी पक्ष में रहते हैं तो उतार सकते हैं, पर उनका एक मंसूबा उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में संगठन को बढ़ाने के लिए, अपनी पैठ संपूर्ण यूपी में मजबूत करने के लिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इस बार चुनाव अकेले लड़ेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस मुद्दा पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो निकाय चुनाव के साथ बेमानी होगा। निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, कहते हैं मोहल्ले का चुनाव है और सभी लोगों को उसमें जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहती है। हमारे साथ सारी मेहमान जो चुके हैं सबको रूबरू करा दूँ। संतोष सिंह नेता भाजपा के रूप में अपना पक्ष रखेंगे, प्रपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी के रूप में अपना पक्ष रखेंगे, स्वागत है आपका। प्रवक्ता सुभाषपा के रूप में दयाराम भार्गव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में रविंद्र प्रताप सिंह अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में वर्चस्व पांडे अपना पक्ष रखेंगे और मोहम्मद इखलाक प्रसपा प्रवक्ता के रूप में अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो रहेगा संतोष सिंह भाजपा से। संतोष जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है, आपको मेरी आवाज आ रही है? संतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी संतोष जी, लगातार जी लगातार भाजपा में बैठकों का दौर जारी है और भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में रहती है, तो क्या रणनीति रहने वाली है निकाय चुनाव को लेकर? हालांकि कहा जा रहा है कि बयान आ रहे हैं कि इस बार किसी नेता के बच्चों को, बेटों को, संबंधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसी रणनीति बनाई जा रही है निकाय चुनाव को लेकर, क्या रणनीति रहने वाली है? जी संतोष जी, शायद संपर्क शायद संतोष जी से हो नहीं पा रहा है। हेलो जी संतोष जी, आपको जी जी शायद संपर्क आपसे हो नहीं पा रहा है। रविंद्र प्रताप जी से लेता हूँ। रविंद्र जी, समाजवादी पार्टी गठबंधन था सुभाषपा के साथ, अब टूट चुका है। रालोद ने भी कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति होनी, क्योंकि सब लोग चुनावी मोड पर हैं, पर अभी कुछ ऐसी चुनावी मोड अभी हमको सपा की तरफ से नजर नहीं आया। मंथन चल रहा है कि बहुत जल्दी रणनीति का आगाज किया जाएगा आपकी पार्टी की तरफ से। जी मौका देने के लिए। जी आपने रणनीति जानने का प्रयास किया, तो रणनीति किसी भी पार्टी को खोलना नहीं चाहिए सार्वजनिक रूप से। अच्छा, तो उस रणनीति पे चर्चा मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता हूं। अच्छा, चल रही है रणनीति पर? रणनीति लगातार बन के चल रही है। अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो टेलीविजन चैनलों पे, सोशल मीडिया चैनलों पे देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, जेल में भी जा रहे हैं। कार्यकारिणी भंग हुई तो बनी नहीं दोबारा अभी तक? हमारी ज्यादातर कार्यकारिणियां बन चुकी हैं, कुछ प्रकोष्ठों की नहीं बनी है। वो भी बहुत जल्दी बन जाएंगे जी। जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ थे सारी के कार्यकारिणियां बन चुकी हैं जी। अभी आपने पिछले महीने अगस्त में भी आपने देखा होगा तो मीडिया की लिस्ट आई थी, प्रवक्ता की लिस्ट है वो, तो प्रवक्ता की लिस्ट आई थी। तो हमारी जितने भी वर्किंग कार्यकारिणियां हैं सारी घोषित हैं, पहले से घोषित हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर उस जगह जा रहे हैं जो हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दमन के शिकार थे। अच्छा, सबके पास जा रहे हैं, जेल में भी जाके मुलाकात किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दमन के शिकार हमारे कार्यकर्ता हैं उनको 1,00,000 रुपए भी हम देंगे। अच्छा,
क्योंकि जो जो चुनाव जो जिताता है वो कार्यकर्ता ही जिताते हैं। अच्छा। और कार्यकर्ताओं में लगातार संपर्क में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू किया जी, सेंट्रल यूपी में भी गए, वेस्टर्न यूपी में भी गए, दुआबा क्षेत्र में भी लगातार अपनी उपस्थिति बना रखी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब आती है बात रणनीति की जी। तो रणनीति हमारे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछला चुनाव जो 2017 में हुआ था जी, उसमें हमारी सीटें 47 थी और वोट परसेंट हमारा 21 था जी। उस अवस्था में भी जी, हमने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 312 थी और वोट परसेंट 40 था उनका जी। हमने उनको कड़ी टक्कर दी थी, आधा वोट परसेंट होने के बावजूद भी हम जो 652 निकाय हुआ करते हैं जी, उस 652 निकाय में भारतीय जनता पार्टी 179 निकाय था उसके पास में जी, और हमारे पास 128 निकाय था जी। तो हमने कड़ी टक्कर दी थी, आधा आधा वोट परसेंटेज था हमारा उसमें। अगर आप पार्षदों में देखेंगे तो पार्षद में जैसे नगर निगम से आप ग्रामीण की तरफ बढ़िएगा, हमारे पार्षदों की संख्या ऐसी बढ़ती गई थी कि अंत में जाके हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। शहरी निकाय में हमारे पार्षद 202 थे जी। जब हम नगर पालिका में गए तो हमारे पार्षदों की संख्या 477 हो गई, और ग्रामीण क्षेत्र में गए तो 453 हो गई हमारी जी। अगर आप अध्यक्षों की बात करते हैं जी, नगर निगम में हमारा प्रदर्शन कभी भी अच्छा नहीं रहा है जी, वो भाजपा का वोट बैंक रहा है जी, तो उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है जी। लेकिन जैसे ही हम नगर पालिका में गए, भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें मिली थी और हमको 45 मिली थी। फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमारा वोट परसेंटेज उनसे आधा था ठीक विधानसभा चुनाव में ठीक। जब जैसे ही हम और गांव में पहुंचे जी, मतलब जो नगर पंचायत जिनको बोलते हैं, हमारी सीटें आई थी 83 और भारतीय जनता पार्टी की केवल 100 सीटें थी जी, तो हमने कड़ी टक्कर दिया था उस बार भी जी। अब हमारा वोट परसेंट करीब 45% लगभग 46% बढ़ के 32% पे गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2% अपने वोट बढ़ाए हैं। अच्छा। लेकिन 2% वोट बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी ने अपने 57 सीटों को पे हार गई है। अच्छा। 2% वोट तो पड़े, 57 सीटें हार गई है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हम लोग रणनीति बना रहे हैं और इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे जी। और मुझे लगता है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह चुनाव सर्वाधिक अच्छा होगा और रिकॉर्ड मतों से हम विजयी होंगे। रमन भाई, आपने भी एक बात कही कि जो कार्यकर्ता बीजेपी के दमन के शिकार हैं, उनको अकेले जा रहे हो 1,00,000 रुपए देंगे, उनके उनके पास जाके मिल रहे हैं, तो केवल कार्यकर्ता से ही मिलेंगे कि बूथ को भी मजबूत करेंगे? क्योंकि बिना बूथ को मजबूत करे नगर निकाय चुनाव का संग्राम जीतना मेरे ख्याल टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। आपने एकदम सही किया, मैं आपसे सहमत हूँ। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र का आधार बूथ होता जी, है जी, जी, ना तो नेता होते हैं ना तो पार्टी होती जी, है, बूथ आधार होता है जी। और अगर आप हमारी उत्पत्ति देखिएगा तो हमारी उत्पत्ति सोशलिस्ट पार्टी से होती है। 67 से पहले माननीय नेताजी सोशलिस्ट पार्टी में थे जी, 1967 में विधायक बनते हैं सोशलिस्ट पार्टी से। लेकिन जो उस समय की हमारी जो जीत होती है कांग्रेस के समक्ष होती है, कांग्रेस को उस समय कोई हिलाने वाला नहीं था जी। तो इस जीत का कारण जो था वो केवल हमारी उपस्थिति कार्यकर्ता स्तर तक होने को कारण ही थी जी। और आज तक हम कार्यकर्ता स्तर पे हैं, इसी कारण से 4 बार यहाँ का मुख्यमंत्री पद हमारे पास आ चुका उत्तर प्रदेश का। हम 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सपा के 4 मुख्यमंत्री यहाँ पर रह चुके हैं। इसका कारण केवल ये है कि हम बूथ स्तर पे बहुत मजबूत हैं और जिनसे मिल रहे हैं जी, जिनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल रहे हैं कार्यकर्ताओं से, वो कार्यकर्ता। पर ये भी मानेंगे कि शहरी निकाय में आपका बूथ मजबूत नहीं है, शहरी निकाय में नगर निगम में आपका जीत नहीं हो पाई है। मैं आपसे सहमत हूँ, एक भी सीटें नहीं जीत पाए। मेहनत की जाएगी इस बार? मेहनत कर रहे हैं, की जाएगी तो ये तो भविष्य की बात होती है। हम मेहनत कर रहे हैं शहरी निकायों में भी, हम मेहनत कर रहे हैं। आपको शुभकामना मेरी है। एक चीज और ऐड कर देना चाहूंगा, क्योंकि इस कालखंड में कोरोना कालखंड में सबसे ज्यादा शहरी पीड़ित रहे हैं, डंडा भी खाया है लोगों ने, अपने लोगों को मरते भी देखा है, लाशें उठाई हैं, लाश जलाने की जगह नहीं मिली है। तो शहर की वो जो पीड़ा है, शहर की भी वही पीड़ा है, नगर पालिका भी की वही पीड़ा है, नगर परिषदों को भी पीड़ा है जी। तो ये जनता की पीड़ा है, जनता उसका जवाब देगी और हम लोग सक्रिय है। शायद बीजेपी प्रवक्ता नेता को मेरी आवाज आ गई है। संतोष भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? संतोष सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है?
संतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद बीजेपी नेता की मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ हमारी पार्टी प्रवक्ता सलूजा जी बैठे हुए हैं। सलूजा भाई, पिछली बार प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा, पर सीटें मिली थी और सीटें मिलना अपने आप में एक कितना सकारात्मक पहलू है। इस बार क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की, तिरंगा यात्रा निकाली, लगातार संजय सिंह अपने प्रेस वार्ताओं के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की नाक बदम करते रहे। हालांकि परिणाम को दूसरा आया, पर इस बार निकाय चुनाव के लिए क्या रणनीति है? पुराने प्रदर्शन से आगे जाएंगे या विधानसभा जैसा प्रदर्शन ही जारी रहेगा? जी, चुनाव दिल्ली में हमारी सरकार का 2 साल ही हुआ था जी, और हमारे कार्य जो थे वो जमीन पर बहुत ज्यादा दिख नहीं पा रहे थे जी। अब हमारे दिल्ली में तीसरे ट्रंप की सरकार है और पंजाब में हम पहले ट्रंप में इंटर कर चुके हैं जी। और मध्य प्रदेश में हमको उसको रिजल्ट आना शुरू हो गया। हमारा सिंगरौली में मेयर भी जीत के आया, जहाँ पे भाजपा का गढ़ था वहां पे रानी अग्रवाल जी भारी मतों से जीत के आई है। तकरीबन 9,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत वहां हासिल की है जी। हमारे पार्षद भी मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है वहां पे भी आए थे जी। 2020 का जो गुजरात का चुनाव निकला नगर निगम का, उसमें भी हमारे 28 पार्षद जो है वो सूरत से जीत के आए थे, तो हम वहां पे भी दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरे जी। अब आपको जानकारी होगी, जल्द ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने वाली है। जिन राज्यों में हम लोग को रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गया, इलेक्शन कमीशन ने हमको मान्यता दे दी है जी, आने वाले समय में जल्द ही पूरे देश में दूसरे नंबर की पार्टी उभर के आने वाले। नगर निगम का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो जनता जनार्दन है, उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को कई साल कई बार जिताकर उनको मेयर भी दिया, भर भर के झोली में उन्होंने पार्षद भी दिए, मगर उत्तर प्रदेश की स्थिति बस से बदतर नगर निगम में होती दिखी। चाहे आप कोरोना काल ले लीजिए, चाहे अभी अभी हाल की जो बरसात निकली उसको ले लीजिए, कोई शहर अछूता नहीं था जी। कोई नगर निगम ऐसा अछूता नहीं था जहाँ पे जल भराव ना हुआ हो जी। लोग नाली के भराव से परेशान ना हुए हो, और आने वाले समय में जल्द ही चिकनगुनिया और कई डेंगू की बीमारियां भी हमको सामने फेस करनी पड़ेंगी। नगर निगम ने कोई भी काम उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व में नहीं किया। जिस दिन दूल्हे बारात यानी दरवाजे पे बारात है, उस दिन लौकी बोने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि उसी समय जब आनंद फानंद में जो काम होता है उसमें ठेकेदारों को पैसा जाता है, उसमें कट निकलता है भारतीय जनता पार्टी। अब बताइए उत्तर प्रदेश में ये स्थिति आ गई कि नगर निगम के ठेकेदारों को कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे 40% कट देना पड़ता है जी। भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है, पूरी तरह से नंगी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से अब लोग त्रस्त हो गए हैं। अब आम आदमी एक विश्वास के रूप में लोगों को दिखने लगा है। दिल्ली में डिलीवर होता दिख रहा है, पंजाब में डिलीवर होता दिख रहा है, अन्य प्रदेशों में हमारा उभार ये साफ साबित करता है। तभी तो हमारे मनीष सिसोदिया को घेरा जा रहा है, हमारे सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री उनको घेरा जा रहा है, संजय सिंह को घेरा जा रहा है, हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं सबको नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये सीबीआई और ईडी की जो सीबीआई और ईडी की जो आप रेडे देख रहे हैं वो इसीलिए देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सर में घुस चुका है वो गोजर, जिसको कनगोजर कहा जाता है, के रास्ते से आम आदमी पार्टी घुस चुकी है और इनको पटकनी देगी नगर निगम। पर भाई, पर एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पे कहा गंदगी फैलती है, जल भराव हो जाता है, तो आप महंगाई, बेरोजगारी, ऑपरेशन लोटस के खिलाफ तो बोलते रहते हैं, यात्राएं भी निकाल रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रदर्शन इनके लिए भी करना चाहिए भाई। निकाय चुनाव आ गए तो क्या नहीं मानते, जल भराव के लिए भी प्रदर्शन करेगी हमारी पार्टी भविष्य में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने नगर निगम में हमारे प्रति नगर निगम में जागरूकता, नगर निगम जागरूकता अभियान हमारा आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश के हर जितने भी नगर निगम है वहाँ पे प्रारंभ हो चुका है जी। जो वहाँ के पार्षद हैं, चाहे जिस पार्टी के पार्षद हैं, अगर उन्होंने अच्छा काम किया उन्हें हम प्रोत्साहन देंगे, और जो अच्छा काम नहीं किया उन नाली, उन भजभजाती नालियों में, उन टूटी गलियों में, उन सड़े मरे पार्कों में हम बोर्ड लगाएंगे उन पार्षदों का। अच्छा। इन ये वो गलतियां जो है, जो कमियां है, इन पार्षद की वजह से है जिनको आपने जिता के भेजा था। आम आदमी पार्टी उनको बेनकाब करेगी और अपने किए हुए कार्यों को, जो दिल्ली में हम कार्य कर रहे हैं, उनको हम लोगों जनता तक के बीच में लेके जाएंगे, और हर वार्ड से हम मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। हम मैनिफेस्टो ऐसे रूम में बैठ के गौरव जी नहीं बनाएंगे, हम प्रति वार्ड में जाएंगे, प्रति वार्ड की जो समस्याएं हैं। एसी मैनिफेस्टो रूम में कौन बनाता है भाई?
ये मैनिफेस्टो एसी रूम में कौन बनाता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी बनाते, तभी तो अभी तक जमीन पे नहीं उतर पाई ना इनकी। अच्छा, ये मैनिफेस्टो अगर सड़क पे बनाए होते तो आज नालियां भर भजा नहीं रही होती लखनऊ। चाहे पुराना लखनऊ ले लीजिए, एलडीए ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा नगर निगम जहाँ पानी से भर भजा ना रहा हो? इन्हीं के राज्य में आपको याद होगा कि वहाँ पे चार चुनाव जीत चुके हैं भाई, चार चुनाव लगातार जीत चुके हैं, 14, 17, 19, 24। मैंने यही कहा गौरव जी, जनता ने बार बार इनको मौका दिया। अच्छा, अगर इन्होंने जनता को ठगा, अच्छा, आम आदमी पार्टी इसी का ही जवाब बनकर सामने आएगी, उभर के आएगी। ठीक है, भारी भरकम सीट से हम जीत के। चलिए ठीक है, नेता भाजपा जुड़ चुके हैं। संतोष भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बड़े समय बाद आपको आवाज आई। रविंद्र प्रताप सिंह सपा प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी काम नहीं करती है, प्रवक्ता आपका कहना है कि केवल बेवकूफ बनाते हैं, एसी रूम में मैनिफेस्टो बनाते हैं, काम नहीं करते हो, आम आदमी पार्टी इनका जो नकाब है वो उजागर करने काम करेगी। गौरव जी देखिए, मैं सबकी बातें सुन रहा था, आवाज तो कम आ रही थी लेकिन जी सबको सुना हूं। जी भारतीय जनता पार्टी 37 साल बाद आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार में चुकी आई जी, और ये लोग कितने अंधविश्वासी लोग हैं जी, जिनका ये कहना था कि हम नोएडा चले जाएंगे, जो मुख्यमंत्री जाता है दोबारा सत्ता में नहीं आता है, विकास के दम पर क्या राजनीति बीजेपी करेगी, बीजेपी का मैनिफेस्टो ये रहा है, बीजेपी पहले ऐसा की है वैसा। देखिए एक बात बताइए, एक हारा हुआ सिपाही जी, और सबसे बड़ी बात की हारे हुए सिपाही के जो मुखिया है जिनका राजनीतिक उथल पुथल पिछले कई वर्षों से आप लोग देखते चले हैं, जिन्होंने सार्वजनिक मंचों से अपने परिवार के साथ, अपने चाचा के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने गठबंधन दलों के साथ क्या किया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सपा, आप और किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नीतियों पे काम करती है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से आबादी की जो जनता है उनके भले के लिए काम करती है, और उसी भरोसा के दम पर प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा चुन करके हम सत्ता और शासन पे आए हैं, और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की जनता के साथ न्याय कर रहे हैं, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के जो संकल्प लिए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके कहने और नहीं कहने से हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहले ये अपने घर को संभालें। मैं तो सार्वजनिक डिबेट जब हो रहा है मैं सबसे कह रहा हूँ इस बात को कि आदरणीय मुखिया जी, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं उनसे कहूंगा उनको कम से कम अपने वरिष्ठ लोगों से सीखना चाहिए। उनके कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल उनको नहीं मिलता, इसलिए कि गलत नीतियों के कारण, गलत दिशा निर्देश के कारण, और जो उनके नेतृत्व करता है उनके अंदर क्या सहनशीलता है, किस तरह का आचरण होना चाहिए, सदन में किस तरह बोलना चाहिए, वो उनके ना भाषा पे नियंत्रण है ना बोली पे नियंत्रण है, और जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को भड़काना, हिंदू मुसलमानों के नाम पे वोट लेकर के राजनीतिक तुष्टिकरण करना और आरोप हमारे ऊपर लगा देना। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप धैर्य बनाए रखिए, निकाय चुनाव आने वाला है, रिजल्ट आपके सामने आएगा गौरव जी, और आप टीवी डिबेट में फिर से रविंद्र जी को बुला लीजिएगा, और हमारे आपके प्रवक्ता और साथ ही साथ जो बाकी लोग बैठे उनको बुला लीजिएगा, और उस दिन डिबेट करिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ निकाय चुनाव में सुखड़ा साफ होने जा रहा है सारी पार्टियों का, और क्योंकि पूज्य योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से पुनः हम लोग नगर पालिका स्थापित होने जा रहा है। भाई सपा प्रवक्ता आप हंस रहे हैं, क्या आपके बारे में, बाकी मेहमान को लेते हैं। प्रवक्ता कांग्रेस ग्रुप में बरसत भाई मौजूद हैं। बरसत भाई, भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हो चुकी है, बड़ी यात्रा, बड़ा उत्साह और बड़ा नाम, क्या मानते हैं आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, महत्वपूर्ण रणनीति? देखिए, जैसा कि आपने अभी बताया कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा बड़े पैमाने पर जारी हो चुकी है, जिसका जो अभियान ये हमारा चल रहा है इसमें देश भर से लोग जुड़ रहे हैं, और जिस भी क्षेत्र में यात्रा जा रही है वहाँ के लोग जुड़ रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जो आप हर सोशल मीडिया साइट से लेकर न्यूज़ चैनलों पर देख रहे होंगे। जहाँ तक रही बात हमारी, अभी तो हम अपने पार्टी का रिकंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पार्टी को और फिर से बिल्ड कर रहे हैं, और इस निकाय चुनाव में हमारा जो मेन मुद्दा है वो रहेगा हर घर रोजगार, सबके साथ समान व्यवहार।
हर घर रोजगार, सबके साथ समान व्यवहार। क्योंकि आप देखेंगे नगर पंचायतों में और नगर निगम में, नगर पालिका में कई प्रकार की रोजगार वैकेंसी होती हैं जिसको कई सालों से रिक्त रखा गया है, और वहां पे जब वैकेंसी भरी भी जाती है तो उसमें बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं। ऐसे बहुत से घोटाले उजागर होते हैं लेकिन उसको लोकपाल तक जाने से रोक दिया जाता है। तो ऐसे में हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि इन जिन जगहों पर भी चुनाव होने वाले हैं वहां पर जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी वहां हर घर रोजगार, सबके साथ समान व्यवहार की नीयत के साथ हम काम करेंगे। अभी तक आपका प्रदेश का अध्यक्ष फाइनल नहीं हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल नहीं हुआ, नवंबर में चुनाव होने की, देखिए प्रदेश बताते हैं प्रदेश अध्यक्ष फाइनल नहीं हो, ये वास्तविकता में आप सही करें, प्रदेश अध्यक्ष फाइनल नहीं हो, 6 महीने होगा भाई। इस समय कांग्रेस पार्टी का हर एक एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा, सबके पास ये डिसीजन लेने की क्षमता कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और मजबूती से काम करें। जी बहुत बहुत अच्छी पहल है आपकी, हर आदमी को अध्यक्ष बनाएंगे आप, ठीक है। हमारे प्रवक्ता प्रसपा के रूप में मोहम्मद इखलाक भाई बैठे हुए हैं। इखलाक भाई, यहाँ पर आलोट ने भी अकेले चुनाव की घोषणा कर दी, आप तो चुनाव के लिए लड़ने ही वाले हैं क्योंकि आपने तो यदुकुल पुनः जागरण मिशन से ही सेन लगानी शुरू कर दी और बयान भी आ गए, सुभाषपा वाले भी अलग हो चुके हैं, क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? देखिए गौरव भाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ने जा रही है। अच्छा, अभी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य यादव जी बने हैं जी, युवा हैं जी, युवा जोश है जी, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के पास जी एक हिसाब से युवा का जोश है, तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जैसे नेता का हम लोग संगठन चलाए हुआ उनका हम लोग एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं जी, और नगर निकाय चुनाव आने वाले समय में हम मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। हमारी पार्टी पहली बार लड़ने जा रही है, बात सही है जी, मगर वो उन नेता के साथ लड़ने जा रही है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है, आदित्य जी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है। वो नेता ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सरकारें बनाई हैं, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार में रही है, तो उन 4 बार सरकार में रहने का अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का रहा है। और आपने भी एक बात कही कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब प्रसपा एक सीट जीती है जी, तो एक सीट हमें मिली थी, हम तो मांग रहे थे कि हमें और सीटें दे दीजिए, आप डेट भी तो दे रहे थे बार बार कि डेट हम दे रहे हैं, हम तो डेट हम दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे थे आप हमें हमें मतलब कि सीटें दीजिए, आप आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के बाद ताकत दीजिए, हम आपको सरकार में बैठाएंगे। क्या रहा वो आप सबको ही पता है। और जो देखिए नगर निकाय का चुनाव है जी, उसको हम लोग महंगाई के मुद्दे को लेकर लड़ेंगे जी, बेरोजगारी के मुद्दे को लड़ेंगे जी, महिलाएं सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लड़ेंगे। एक जिस तरीके से देखिए आज एक जो आम नागरिक है, इस बार डेट तो नहीं देंगे, इस बार देखिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, डेट इस बार चुनाव आयोग से मिलेगी और हम चुनाव लड़ेंगे जी। तो महंगाई पे मैंने जो बात कही कि जो देश में आज महंगाई का प्रदेश में हालत है कि एक तरफ जैसे हमारा जवान सरहद पे लड़ रहा है जी, उसी तरह से आम नागरिक जी, घर का पिता जो होता है जी, वो महंगाई से लड़ रहा है। आज देखिए आप किस तरीके से दही दूध पे जीएसटी आ रहा है, कोई सामान आप लेने जाएंगे उस पे जीएसटी आ रहा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई और बेरोजगारी है जी। उस मुद्दे के साथ जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है ठीक है, हमारे दयानंद भार्गव सुभाष पर जुड़े हुए हैं। दयानंद भाई, महेंद्र राजभर पार्टी छोड़ दी है और कई लोगों का पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, और एक तरफ यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर मजबूती की बात करते हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरह से उनकी पार्टी में ही मतभेद हो रहा है, फूट पड़ रही है, लोग छोड़ रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो फूट डाली जा रही है ये दूसरी पार्टी डाल रही है, समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना ही बनाया है। भाई क्या रणनीति रहने वाली है चुनाव को लेकर? देखिए समाजवादी पार्टी का जो है जी, भारतीय समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता सक्रियता से जी 26 सितंबर से जी सावधान यात्रा जो है निकाली जा रही है। अच्छा, पहला पड़ाव जो होगा सावधान मार्च पहली जो होगा, अच्छा, लखनऊ से चल करके अम्बेडकर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सावधान यात्रा आदरणीय नेता उत्तराखंड राज्य जी, हम गांव-गांव में लोगों को सावधान कर रहे हैं जी, और ये बताने का काम कर रहे हैं जिसका मालिक वोटर होता है, अच्छा, जिसका मालिक जनता होता है जी, हमारा सीधा संवाद जी, क्या कमियां रहेगी जी, प्रदेश में किस तरह का माहौल है और किस तरह वादे करके वादा नहीं निभाया गया जी। हम समाजवादी के गठबंधन में जाने के बाद भी जी, अभी हमारे भाई प्रसपा के साथ ही कह रहे थे जी, ये सही है कि समाजवादी पार्टी के लोग जी जिसको गठबंधन में लेते हैं, गठबंधन के बाद उसको किस तरह छोड़ते हैं जी,
तो समाजवादी पार्टी ही बहुत अच्छी तरह तो ये बताइए आप जब बीजेपी में रहते बीजेपी बुरी हो जाती है सपा में सपा बुरी हो जाती है क्या भाई क्या कारण है इसका भाई जी जी मायावती पे उन्होंने संकट जी कहा कि जिन्होंने जेल बनाया जी जेल में जो है दिल्ली के जेल में वो बंद है जी और ये बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं जी तो 2019 में इन्होंने गठबंधन किया था तो किया था भाई जी दूसरी बात जो आपकी समाज पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता जा रहे हैं वो कार्यकर्ता पहले से निकले जी हाँ हम मानते हैं हमारे बड़े पदाधिकारी कुछ गए हैं कुछ नहीं बहुत गए 30 लोग गए भाई हम मनाने का काम कर रहे हैं उनको दोबारा हम लाने का काम कर रहे हैं उनसे संवाद किया जा रहा है बहुत कार्यकर्ताओं की दोनों भाई मांग होती है हमारी पार्टी नहीं है किसी भी दल में देख लो सपा में देख लो बसपा में देख लो कांग्रेस में देख लो भाजपा में देख लो आम आदमी पार्टी तमाम ऐसे जी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मांग हो सकती उनकी मांग उनका विवेक जी बाकी पार्टी बराबर उनके टच में है बढ़ रही है कि आखिर वाक्य क्यों ऐसा किया गया क्या है तो उसमें कुछ निकल के आया कि जो पूर्वज जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा है वो भी आज उस पे आकर के इस तरह की कृतियां कर रहे हैं जी और देखिए पार्टियों में आना और जाना सभी पार्टियों में है लगा रहता है दो बार की समाज पार्टी नहीं है जी अगर कोई मिशन से भटक रहा है जी जिसने पार्टी को 18-19 साल दिया जी और जिस पार्टी में भी गए या वो क्या है अभी गए नहीं है किसी पार्टी में गए नहीं भैया पार्टी में गए क्या करें ये उनका अपना मन जी। है लेकिन जी जिस मन और मनसा से जी महाराजा सुहेलदेव राजभर के सपनों को सजा करके दिल में बसा करके जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में काम करने का काम किया जी गांव गरीब में जा करके बच्ची समाज को जगाने का काम किया आदरणीय नेता के नेतृत्व में काम किया जी आज 19 साल में उस नेता के बारे में जिस तरह की बातें बोली जा रही टूटी को दबाया जा रहा है जी तो कहीं ना कहीं हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जी या महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों को नमन करके जिस पार्टी को बना करके जिस पार्टी को संगीत करने का काम किया गया आज उनके ही द्वारा उनके टोपी, उनके तो किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भाई ये चुनाव जो नगर निकाय चुनाव है जी आपने 19 साल अगर पार्टी में समय दिया है जी ठीक है ठीक है ठीक है नेता पसंद नहीं हो सकता जी मैं मानता हूँ जी किसी भी पार्टी में ठीक किसी भी दल में किसी भी पदाधिकारी कार्यकर्ता का गौरव भाई हो सकता है मुखिया अरे मेरी बात भी ले लीजिए भाई सुनिए लेकिन दयाराम भाई क्या आपने 19 साल जो समय दिया पार्टी को जी अरे ठीक है 19 साल दिए चले ठीक है दयाराम भाई ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया हो रोजगार पर शिक्षा की बात थी जी सामाजिक न्याय समिति की बात थी जी बिजली माफ हो किसानों को किस तरह यातनाएं झेलनी ठीक है हो गया भाई हो गया कृषि क्षेत्र में हो गया हो गया सुभाषा गुणगान मत करिए भाई हो गया तमाम बातों जी जी हो गया लेकर के जो नेता आज पार्टी से जा रहे हैं जी क्या वो विजन उनका खत्म हो गया जी ठीक है क्या उस विजन को चले ठीक है क्या सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के संविधान के बनाए हुई जी जो चीजें हैं उसको ठीक है दयाराम भाई हो गया तमाम चीजों को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा जो भी साथी हमारे इस तरह के कृतियां कर रहे हैं जी मैं आपके माध्यम से उनको आवाज दे रहा हूँ ये वही ओम प्रकाश राजभर है जी जिन्होंने दो सवाल लाएंगे अभी मेरे आपसे जी और पार्टी में केवल 27 लोगों को लेकर के जी 20 साल में आप देखेंगे जी जिस राजभर जाति को लेकर के लोग तरह तरह की बातें करते थे सुनवाई नहीं करते थे आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की देन है कि तमाम राजभर नेता तैयार होकर के जी और उस विजन को महाराज सुहेलदेव जी के विजन को बढ़ाने का काम किया जी। मैं आपके माध्यम से दोबारा फिर कह रहा हूँ उन नेताओं से आह्वान कर रहा हूँ ठीक है हो गया कि आप रास्ते जी आप ठीक है हो गया तो आपकी मांग है जी मांग के साथ अरे भाई अरे बाकी मेहमानों को जोड़ना भाई दयाराम भाई बाकी मेहमानों को जोड़ना है हो गया छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का फोन उठाना छोटे छोटे मैं कहता हूँ चले ठीक है बहुत अच्छी नीति है तीस लोग चले गए उनको मनाइए पहले भाई ठीक है आपको बताना चाहता हूँ नेता ओम प्रकाश राजभर ठीक है चले ठीक है निवारण करने का काम करते हैं चले ठीक है तमाम सर हम मानते हैं हमारे साथ प्रिपल भाई भी जुड़े हुए हैं और कुछ जवाब देना चाह रहे हैं संतोष सिंह की बात का प्रिपल भाई अपनी बात पूरी करिए मैं गौरव जी भारतीय जनता पार्टी
पार्टी आई थी, पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 600 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जी, प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश का 30,000 रुपए का कर्जदार है प्रति व्यक्ति जी, और देश में जितनी जीडीपी हमारी उसका 92% हम कर्ज ले चुके हैं जी। ये भी अपने प्रधानमंत्री का गुणगान गा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी का और यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गुणगान रहे थे, तभी मुझे हंसी आई, शायद इनको ये पूरा होमवर्क करके नहीं आते हैं। और जितनी उत्तर प्रदेश की नगर निगमें हैं तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का प्रति निगम निगम के ऊपर प्रति वर्ष का कर्ज है, ये कर्ज नहीं उतार पा रही है और उत्तर प्रदेश ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसी वित्तीय वर्ष में माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो नगर निगम को उत्तर प्रदेश दिया करती थी और व्यय दिया करती थी उसको उसने पूरी तरह से बंद कर दिया है। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी के आप किस मुंह से ये कहेंगे कि तीन इंजन वाली सरकार, यानी पहली सेंट्रल गवर्नमेंट की, दूसरी उत्तर प्रदेश की और तीसरी नगर निगम की। अच्छा। अब नगर निगम में ये क्या कहेंगे, तीन इंजन वाली सरकार कहेंगे या मरे हुए इंजन की सरकार कहेंगे, जहां पे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिया, अब नगर निगम कर्ज के भार में जा चुकी है। इसीलिए मुझे हंसी आई थी कि उत्तर प्रदेश के जो प्रवक्ता अभी बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी को, इनको होमवर्क करके आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या बद से बद इन्होंने कर दिए, हालात कर दिए हैं कि यहाँ का नगर निगम की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि अब नगर निगम टैक्स बढ़ाने में लग गई है, हाउस टैक्स को डबल करने जा रही है, पानी का जो कर जल कर है उसको डबल करने जा रही है, सीवर चार्जेस को बढ़ाने जा रही है और स्थिति बद से बदतर है। इसलिए मुझे हंसी आई थी, मैंने ठीक है, हंसी आना जायज है भाई, आप विपक्षी पार्टी है, संतोष भाई जवाब दीजिए, फिर रमन भाई की बात को लेता हूँ। हंसी आ रही भाई प्रवक्ता आपको, भाई ऐसा क्या बोल दिया आपने, क्या है गौरव, क्या गौरव जी आम आदमी के प्रवक्ता हैं जी, जिनका बुनियाद ही झूठ से और फ्रॉड से उत्पन्न हुआ हो, जिनकी नींव जो है वो झूठ की बुनियाद पे टिकी हुई, जिसका मुखिया जो है ये अपने आप को सोशल इंटरप्रियर करने वाला आदमी आज कुशीनगर, आज दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके शराब माफिया का इतना बड़ा घोटाला आपके समक्ष आया है, ये जितना शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं आप, या ज्ञान अपने पास रखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेतृत्व की क्या क्षमता है पूरी दुनिया और देश ने देखा है। तो मैं तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का विद्वान आदमी रहता तो देश की राजनीति के बारे में और प्रदेश की राजनीति के बारे में जरा सा ज्ञान रहता, दिल्ली का ज्ञान आपको बता देता, अभी तो उनकी पूरी बात मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं तो उनका जवाब बड़े अच्छे से देता, दिल्ली में बैठे हैं दिल्ली के लोग बेवड़ी बांट करके जो ये राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, एक संवैधानिक पद है, उन्हें अभी पंजाब में सरकार बनाई है, वहाँ के लोगों को झूठा वादा करके गुमराह करके एक ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पे बैठाया है जिसको, जिसके पास न कोई रोड मैप है, जिसके पास कोई विजन है, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया है, उस व्यक्ति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में गौरव जी जरा एक बार आप पता करिए, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, रही बात निगम के चुनाव के होमवर्क करके आने की बात को मैं माननीय अपने आपके प्रवक्ता महोदय से करूंगा कि बहुत अच्छे से होमवर्क हम करके आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना उसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई प्रवक्ता रहेगा तो ही टीवी पे आ जाएगा, आम कार्यकर्ता को भी बैठा दीजिएगा तो पार्टी के बारे में, पार्टी के संगठन के बारे में और सरकार की नीतियों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, अच्छे से आपको जवाब दे सकता है। आप आइए खुल करके, आप हमारे सामने बैठ करके हमसे डिबेट करिए, बताइए हमारे सरकार के बारे में, हमारे सरकार के कमियों के बारे में, हम आपको जवाब देंगे। प्राइम टीवी आपके सामने बैठी है सर, गौरव जी बैठे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप झूठ मूठ का हल्ला करेंगे, संतोष सिंह का कहना था कि अखिलेश यादव पहले अपने परिवार संभाले, परिवार के लोगों को सम्मान नहीं दिया, जिन लोगों ने उनको लायक बनाया उन्हीं को भूल गए, क्या जवाब है भैया आपका? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने दो बार बोलने का मौका दिया जी,
एक बात भी जनहित की नहीं बोल पाए अपनी पार्टी की बड़ाई छोड़ के। जी दूसरा विषय यह है कि उनको लगता है अपनी पार्टी से ज़्यादा समाजवादी पार्टी का अध्ययन है। जी तो उन मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूँ। जी भारतीय जनता पार्टी जो शब्द है जी या खुद इनकी सत्ता लोलुपता के कारण जन्मी है ये। इस पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ। अच्छा सत्ता पाने के लिए इन्होंने अपनी अस्मिता से ही खिलवाड़ कर डाला और जनता पार्टी में विलय कर दिया जी और दोबारा वो नाम नहीं रखा अपना। जी तो पहली बात तो ये जी हमारे परिवार की बात कर रहे थे तो अपने परिवार की सुन लें। जी भारतीय जनसंघ की स्थापना सदस्य और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य बलराज माधोक जी हुआ करते थे। उनकी क्या दुर्दशा इन लोगों ने की आप लोगों को मालूम है। इसी लखनऊ से जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ माननीय बलराज माधोक जी चुनाव लड़े। अच्छा उसके बाद जो इनका चरित्र है वो सुनते जाइए। अगर हमारे परिवार को देख रहे हैं तो सुनते जाइए। वैसे यह विषय नहीं था मैं कर रहा हूँ, मैं भी गलत कर रहा हूँ, लेकिन जवाब देना उचित होता है। जल्दी दीजिए, बोलिए। दूसरा नानाजी देशमुख का क्या हुआ जी, माननीय गोविंदाचार्य जी का क्या हुआ जी, माननीय आडवाणी जी के साथ क्या बर्ताव किया इन्होंने, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या बर्ताव किया इन लोगों ने जी, अब छोड़ दीजिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ क्या बर्ताव किया इन्होंने, एक मुख्यमंत्री रहते हुए क्या एक डीएम का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जी, ट्रांसफर 4 बजे होता है 11 बजे रिवर्ट हो जाता है जी, एक माननीय मुख्यमंत्री को 25 जिलों तक सीमित कर देते हैं, यही इनकी रणनीति है। ये हमारे परिवार को देखने की बात कर रहे हैं, आप अपने परिवार को देखें और आपका परिवार देखने के लिए पिछले जी जो आपका पहला कार्यकाल था माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान आपके 85 विधायक निकाल के वेल में आए थे और हम लोगों ने उनका समर्थन किया था जी, वो भी आप ही की पार्टी थी, आप ही के विधायक थे और आपके अच्छाइयों को जाके उस वेल में बता रहे थे। दूसरे कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो बता रहा हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के साथ में क्या हुआ कि उनको दिल्ली सरकार की शरण लेनी पड़ी। किसने किया? वो समाजवादी पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया या आपने किया जी? ये तो वो स्वयं जानते होंगे, उनको जाना पड़ा जी। एक माननीय मंत्री जी हैं मेरठ से, उन्होंने वहाँ धरना दे दिया। अभी 2 दिन पहले एक माननीय मंत्री जी हैं सीतापुर में, वो धरना दे रहे थे। क्या आपने कभी सुना है ऐसा कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक बेल में आके हंगामा कर रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के माननीय मंत्री लोग जाके धरना कर रहे हैं? ये हमारे परिवार को देखेंगे, अपने परिवार को देखें, आदरणीय बलराज माधोक जी से लेके आदरणीय मोदी आदरणीय आडवाणी जी तक। अब जनहित की बात करें, मैंने ये किया है, मैंने गलत किया है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन चीजों की राजनीति हम लोग करते नहीं है, इनके पास कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, त्रिस्तरीय निकाय होते हैं, निगम होता है, पालिका होती है और फिर नगर पंचायतें होती हैं। त्रिस्तरीय जो चुनाव होता है एक तो शहरी होता है, बाकी दोनों अर्ध शहरी होते हैं, एक तो पूरा ही ग्रामीण होता है। इनके लिए इनके पास क्या योजना है इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जो कुछ यहाँ पर गलत किया है इन लोगों ने बता दिया, क्या क्या किया है, बज बजाती हुई नालियां, कोई साल ऐसा नहीं हो गया कि डेंगू से लोग मरे नहीं, और फॉगिंग के नाम पे कितना पैसा, और हमने क्या किया करके प्रचार करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए जी, और 1,000 करोड़ रुपए किसके, भारतीय जनता पार्टी के क्या? नहीं, हमारे टैक्स के पैसे से अपने पापों को छुपाने के लिए दुष्प्रचार जी मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा। क्या यह बता देने से डेंगू से मरीज मरना बंद हो गए? क्या है बता देने से चिकनगुनिया पनपना शुरू हो गया? क्या है या बता देने से सफाई कर्मचारियों की नौकरी लग गई जी? क्या वो सफाई कर्मचारी जो दुर्घटना के शिकार हुए उनके साथ इन्होंने कोई भी आज तक एक उदाहरण बता दें कि एक जगह के सफाई कर्मी को इन लोगों ने सुविधा उत्पन्न करा दिया हुआ है? ये बताना पड़ेगा। अब आई रही बात दूसरी कि नगर निगम पालिका और नगर पंचायतें जी, इनके पास पैसा ही नहीं है, जा ही नहीं रहा है, काम कहाँ से करेंगे जी? इनके अधिकारी या इनके जो माननीय बैठे हुए हैं पार्षद के रूप में या अध्यक्ष के रूप में, जब पैसा जा ही नहीं रहा है काम क्या करेंगे जी? पैसा देने की बात, आपको एक छोटी सी बात बता दें, विषयांतर है लेकिन छोटी सी बात है जी। एक घोषणा हुई थी कि टीबी के मरीज को 500 रुपए दिए जाएंगे, पिछले 8 महीने से नहीं मिला हुआ है,
अब वो पैसा ना देना पड़े करके तो गोद लेने का एक नया सगुफा छोड़ दिया हुआ है, वो 500 रुपया ना देना पड़े। तो जो जो पार्टी 500 रुपया टीपी के मरीज को नहीं दे पा रही है, इन्हीं निकायों में है, तीनों निकायों में, वो पार्टी क्या दावा करती है? क्या करेगी 500 रुपया नहीं दे पा रहे टीबी के मरीज को? वो पार्टी किस चीज का दावा कर रही है और किस स्वच्छता की बात कर रही है? तो हमारे परिवार को ना देखें, आदरणीय बलराज माधव जी से लेके आदरणीय आडवाणी जी तक तो देखें, और आपने क्या दुर्दशा बना के रखी उत्तर प्रदेश में, आप वो देखिए और अपनी पार्टी को देखिए। हम संभाले हैं अपनी पार्टी को, हम संभाले हुए। जवाब लेता हूँ प्रजेश भाई, यहाँ पर जोड़ो यात्रा शुरुआत की है, पिछला प्रदर्शन 17 के माने तो बहुत खराब नहीं था, पर बहुत अच्छा भी नहीं था। क्या निकाय चुनाव की तैयारी रहेगी? फाइनल नहीं है अभी, राष्ट्रीय की बात छोड़ दीजिए, बूथ स्तर पर क्या काम हो रहा है, संगठन स्तर पर क्या काम हो रहा है, बैठकों का दौर लगातार बीजेपी में जारी है। आप भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से यात्रा निकालेंगे, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है कांग्रेस की भाई? देखिए कम शब्दों में, जिस समय प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, उस समय उन्होंने सबसे पहला बीड़ा उठाया जो हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में एकदम खत्म हो चुका था जी। उसको न्याय पंचायत से लेकर के वार्ड और बूथों तक पहुंचाने का काम किया जी। जिसमें हमने न्याय पंचायत से लेकर के वार्ड और बूथ तक के मेंबर बनाए, सदस्य बनाए, और वहां पर पदाधिकारियों को नियमित किया और चयनित किया जी। अब तो हमारे जो बूथ के पदाधिकारी हैं वही इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिनके माध्यम से हम चुनाव में उतरेंगे जी। इसलिए हमारे लिए अभी यह बात थोड़ी भी चिंताजनक नहीं है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी तैयारी पूरी है आपकी? हाँ, तैयारी हमारी पूरी है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि वहां पे जो हमारे इस बार चुनाव होने वाला है उसमें बूथ स्तर पर हमारे बूथ के कार्यकर्ता और बूथ के पदाधिकारी जो इस चुनाव को हैंडल करेंगे पूरे तरीके से। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो यह पार्टी जो सिर्फ एक साल में 13.5% महिला अपराध के मामले में वृद्धि करवा रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी मुहिम चलाएगी। जो फ्री राशन देने की योजना योगी जी ने बंद कर दी, साथ में जो गरीब बेटियों को दहेज उनकी शादियों में 20,000 रुपए मिलते थे उसको बंद कर दिया, उसमें गरीब बेटियों के विवाह में जो योजनाएं चलती थी उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी वर्क कर रही है। और हमारा मैनिफेस्टो जो आएगा वो हर एक नीचे से लेकर के ऊपर के हर एक इंसान के लिए जुड़ा हुआ मैनिफेस्टो रहेगा, जिसमें सबको अनाज की व्यवस्था होगी, घर की व्यवस्था होगी और रोजगार की व्यवस्था होगी। ऐसा मैंने फिर विधानसभा चुनाव में भी लेकर आए थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ महिलाओं की बात की थी, उसके बाद तमाम बड़े बड़े श्वेतपत्र जारी किए गए थे, पर मामला वही हुआ था ढाक के 3 पार। देखिए विधानसभा चुनाव में जिस हमने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने पूरी मेहनत की, जनता को हमारी मेहनत से अधिक उस समय दो पार्टियों के बीच का एक चुनाव दिखा, जिसमें बीजेपी या बीजेपी अगेंस्ट चुनाव जो चल रहा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस बार किन दो पार्टियों के बीच में रहेगा बजरंग भाई? इस बार किन्हीं दो पार्टियों के बीच में नहीं, क्योंकि हमने जब जब किसी भी पार्टी को ये सोचा है कि ये हमारे साथ आकर अलायंस करके काम करे, उस वह पार्टी क्या की है कि वो हमें ही खत्म करने पर जुट गई है, हमारे लिए भस्मासुर बनना शुरू कर दिया। इसलिए हमारे मीडिया प्रभारी जयराम रमेश जी ने अभी परसों का स्टेटमेंट दिया है कि हम विपक्षी एकता से ज्यादा भारत की एकता पे और जन नागरिक और कांग्रेस की एकता पे विश्वास करते हैं, और हम लोग अपना चुनाव इस बार अपने दम पे लड़ेंगे। ठीक है, इकलाक भाई कम शब्दों बताइए, क्या इस बार गठबंधन होगा कहीं, या डेट का इंतजार करेंगे, या फिर बूथ स्तर पर इतनी मजबूती करेंगे कि आने वाले समय में जो पुनः जागरण मिशन आपने शुरू किया है, या रुकुल पुनः जागरण मिशन, इसको लेकर सेंग लगाते नजर आएंगे? देखिए, किसी के साथ गठबंधन होगा नहीं होगा ये हमारी पार्टी की राष्ट्र कार्यकारिणी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव साहब तय। गठबंधन की उम्मीद हो सकती है? देखिए, जो भी वो फैसला लेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता उनके साथ है जी, और बूथ स्तरीय की देखिए बात हुई तो उनसे बड़ा नेता पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में कोई नहीं होगा जो बूथ स्तरीय नेता हो, बूथ के एक एक कार्यकर्ताओं को जानते हूँ जी। ये बात मैंने आपसे कही थी और ये बात आप पता भी कर सकते हैं और आप सब लोग ही भी जानते हैं ये बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय अटल जी ने एक बात कही थी कि चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकार बनेंगी रहेंगी, मगर देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। आज क्या हो रहा है देश में? देश को तोड़ा जा रहा है जी, आपस में लड़ाई करा जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। क्या एक बात भी करी भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई पे? क्या एक बात भी करी बेरोजगारी पे, महिलाओं की सुरक्षा पे? क्या एक भी बात कही? देखिए, जिसके दिल में चोर होता है वो उससे भाजपा के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं क्या? हम देखिए उत्तर प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, उन सब मुद्दों के साथ
चुनाव में जा रहे हैं और हमारे सामने जो भी होगा सड़क पर कब उतरेंगे कलाक भाई, सड़क पर कब उतरेंगे? देखिए हमारे नेता हमेशा सड़क पे हैं। अच्छा, कल हमारे नेता लखनऊ में कई प्रोग्राम किए, आज हमारे नेता प्रयागराज में गए अपने कार्यकर्ताओं के बीच। अच्छा, आप पता करिए जी, लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य यादव जी और शिवपाल सिंह यादव साहब लगातार जनता के बीच में, और जनता के बीच की समस्या मैंने तो पहले भी कहा था और आपने भी देखा था कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के साहब के साथ एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अपना काम कराने में सक्षम है, बीच रोड पे उनकी गाड़ी रुकवा सकता है, ऐसे नेता है। चल ठीक है, संतो भाई कुछ कहना चाहते हैं? संतो भाई अपनी बात पूरी करिए। रविंद्र भाई बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं जी, बहुत सारी बातें उन्होंने पर ध्यान से मैंने बोला। देखिए क्या है, मैं भी जाना नहीं चाहता हूं अपने नेताओं के इतिहास के बारे में, हमारे जिनके हमारे पास नेता है जी, हमारे पास लीडरशिप है जी, और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मुरली मनोहर जोशी आडवाणी जी के बारे में आपने चिंता की है जी, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दी है। हमारे वहां संस्कार भी सिखाया जाता है और संस्कृति भी। रही बात विकास की, बात आप कर रहे थे, आपने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जी, चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हो मुख्यमंत्री, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हो मुख्यमंत्री, कितने नगर पालिका आपने बनाए, कितने नगर पालिकाओं का विस्तार आपने किया जी, जो नगर पंचायत थे उनको नगर पालिका का दर्जा कितने कितने नगर पालिकाओं नगर पंचायतों को आपने दिया जी, आपने आधे अधूरे काम किए, गुंडागर्दी के अलावा कोई काम नहीं किया, परिवारवाद की आपने राजनीति किया, जातीय तुष्टिकरण की राजनीति किया। कुछ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शासन कैसे चलाया जाता है, गुंडा माफियाओं के ऊपर कैसे प्रहार किया जाता है, महाराज जी ने ये संदेश दिया है पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया को सराहा, पूरी दुनिया ने योगी के नेतृत्व को सराहा है, चाहे वो कोविड काल का समय रहा हो और चाहे नगर पंचायत नगर पालिका में विकास का विषय रहा हो या चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की बात रही हो, योगी आदित्यनाथ ने पूरी देश पूरी दुनिया और पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया, लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को सराहा है। रही बात हमारे शिवपाल यादव जी के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आपके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरे सदन में पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की है, पहले एक बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास बैठिए और उनसे समझिए और तब आकर के टीवी पर बयान दीजिए। पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गांव गली गरीब किसान किसके लिए काम नहीं हुआ है, और सबको छोड़िए महिला सुरक्षा की ये लोग बात कर रहे हैं। देखिए अभी इन्होंने कहा हमारे नेताजी के बारे में, तो मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहा, सुन लीजिए संतोष जी, हमारे नेता ने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और महिला सुरक्षा अधिकारी भ्रष्ट हैं। आज क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, मुख्यमंत्री जी के आगे क्या पावर है आप देखिए, अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। और रही बात हमारे नेता की, तो हमारे नेता ने ना जाने इतने पुल गांव के अंदर बनाए जितनी जाने लोगों की जाती थी, हमारे नेता की बनाई हुई पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड है आज भी लखनऊ में गड्ढे नहीं भर पाई है सरकार। हमारे नेता के बारे में आप ना बताइए, हम बहुत अच्छे से हमारे नेता को जानते हैं। आप गरीबी पे बात करिए, आप मुद्दा महिला सुरक्षा पे बात करिए, अरे आप गरीबी पे बात करिए साहब, उत्तर प्रदेश की जनता सुनना चाहती है कि देश में रोजगार कब मिलेगा, गरीबी कब जाएगी, जीएसटी कब कम होगा, मोदी के नेतृत्व को क्या करेगी, ठीक है हमको बताने की जरूरत नहीं है और देखना है। मुझे नहीं पता है कि रविंद्र प्रताप जी कौन से टाउन एरिया में रहते हैं और नगर पालिका की बात कर रहे हैं, आइए हम दिखाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का अगर अध्यक्ष बैठा है नगर पालिका और टाउन एरिया में, मैं दिखाता हूँ आपको विकास कैसे हुआ है, कैसे पानी घर घर पहुंचा हुआ है, कैसे गांव सड़कें बनी है नगर पालिका की, आवास कैसे आया है, आवास कितना आया, फिर से आने जा रहा है। ये गौरव जी कोई तर्क हो तो बात करना चाहिए, बेबुनियाद आरोप लगा करके और किसी किसी के बारे में अनाप शनाप बयान दे करके आप कभी सत्ता, ठीक है संतो भाई, संतो भाई ठीक है, समय कम है, समय कम है, काम करिए कार्यकर्ताओं के साथ, काम करिए, समय कम है, समय कम है, डिबेट करिए। प्रिंसिपल भाई अपनी बात करिए, जल्दी बोलिए संतो भाई, पूरी बात ली आपने जी, बोलिए। कहना चाह रहा था कि अभी दोनों जितने पक्षों ने अभी बात अपनी रखी, सभी को जनता ने भरपूर मौका दिया जी, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका उत्तर प्रदेश की सरकार में, अगर ये नगर निगम में हमको मौका मिला जी, तो हम लोग पहले संविधान की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर देंगे जी, जो नगर निगम के दायरे में आने वाले स्कूल हैं उनको उनके उनमें टीचर्स जी, उनमें अच्छे क्लासेस जी, उनके सौंदर्यीकरण का पूरा हम काम करेंगे जी। हमने एक काम गौरव जी शुरू किया था डेंगू से जी, 2016 से जब से वहां के अरविंद केजरीवाल ने ये कार्यक्रम शुरू किया 10 हफ्ते 10 इतवार 10 बजे का जी, उससे अभी तक 2016 से लेके अभी तक एक भी डेंगू से मृत्यु नहीं हुई है वहां पे जी। और इस सब काम में 70 करोड़ रुपए का मात्र जी प्रचार प्रसार जो टीवी के माध्यम से और अखबार के माध्यम से हुआ है जी, जिससे एक भी डेंगू से मृत्यु नहीं हुई है जी। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 1,000 करोड़ रुपए लगाती है जी लीपा पोती करने के लिए, कोरोना काल की लीपा पोती करने के लिए।
कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की मृत्यु होती है उसको छुपाने के लिए कोरोना काल में पंजाब में जाके देखिए आपके सीएम ने क्या क्या किया है। और आप जाइए अपने दिल्ली में देखिए अपने सीएम को बैठा है कुर्सी पर कितने बड़े क्या क्या ऐड के नाम पे और विज्ञापन के नाम पे काम किया है। आप लोग आरोप लगाने से पहले जरा अपने जिम्मेदारी पे ध्यान दिया करिए। ये आम आदमी पार्टी का रीजन है। ठीक है पीरपाल भाई, ये नगर निगम में हम उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे। रविंद्र भाई अपनी बात पूरी करें। कोई है नहीं नेता, कोई है नहीं पार्टी, कोई है नहीं संगठन, कोई है नहीं। मैं अपेक्षा करूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अपेक्षा करूं। इसके अलावा कुछ नहीं है। हो गया भाई, हो गया। रविंद्र भाई बात पूरी करिए। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग कम से कम यहाँ पर अनुशासन बरत दें। अगर आप यहाँ अनुशासन नहीं बरत सकते हैं तो आप जनता के साथ क्या अनुशासन बरतेंगे, अपने पार्टी में क्या अनुशासन बरतेंगे, ये सभी जो भी जनता देख रही है वो बता सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नगर निगम में जी चलो, अब मैं कह रहा हूँ कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने मौका दिया, तीसरी बार भी एक बात भी जनहित की नहीं कर पाए। उन्होंने मुझसे जानना चाहा मैं कहाँ रहता हूँ। इन्होंने पंचायत की बात कही, मैं पंचायत में नहीं रहता हूँ, मैं गोरखपुर नगर निगम में रहता हूँ और लखनऊ नगर निगम में रहता हूँ, दोनों का बता देता हूँ आपको। गोरखपुर नगर निगम पिछले साल भी और इस साल भी बुरी तरीके से बाढ़ में डूब गया और उसका विरोध करने वाले उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक वर्तमान बीच में मत बोलिए। संस्कृत का पालन करिए। मैं एक शब्द नहीं बोला, आप सुन लीजिए चुपचाप। आपने पूछा था, मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनिए चुपचाप से। तो राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने सड़क पे उधर उतर के विरोध किया था और वहां के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध एक नोटिस भेजा गया था पार्टी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जी। तो ये तो गोरखपुर नगर निगम का। अब लखनऊ नगर निगम का हाल सुन लीजिए। लखनऊ नगर निगम में सर्वाधिक पिछले साल डेंगू के मरीज थे जी, चिकनगुनिया के मरीज थे जी, इस साल भी जो केसेस आ रहे हैं जी, आगरा से आ रहे हैं और फिर लखनऊ से आ रहे हैं सर्वाधिक जी। तो मैं दो जगह रहता हूँ, दो जगह। आपके प्रश्न का उत्तर दिया, आपको धैर्य से सुनना चाहिए। मैंने भी नहीं बीच में बोला था। तो इस प्रकार से आपकी जो कार्रवाई है आज जनहित में बोला करिए, आवश्यक है जनहित में बोलना। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर चर्चा हुई और चर्चा थी नगर निकाय चुनाव की तैयारी, सबकी तैयारी कैसी है। फिलहाल यहाँ पर मुद्दा जो महत्वपूर्ण था, पर यहाँ मुद्दे से हटकर यहाँ तमाम चर्चाएं हुई। मुद्दा यहाँ पर कभी विरासत में चला गया, कभी परिवारवाद पे चला गया, कभी व्यवस्थाओं पे चला गया, कभी डेंगू पे चला गया, कभी स्कूलों पे चला गया। पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि निकाय चुनाव में तैयारी कैसी रहेंगी, बूथ किसके मजबूत रहेंगे, संगठन किसका मजबूत रहेगा, बैठकों का दौर कहाँ जा रही है, कहीं पर प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं है, कहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं है, और तमाम तरह की रणनीति की बात लोग कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी एक स्थापित जवाब नहीं दे पाया कि हम किस रणनीति के साथ, किस मैनिफेस्टो के साथ, किस विचारधारा के साथ और किस आकलन के साथ इस बड़े चुनाव में जाएंगे। क्योंकि बड़ा चुनाव है, अब 652 सीटों पर चुनाव नहीं होना है, अब सीटें बढ़ चुकी हैं और बढ़ चुका है जनता का भरोसा भी। जनता के भरोसे पर अगर आपको उतरना है तो आपको केवल बूथ स्तर पर मजबूत नहीं होना है, जनता का भरोसा भी जीतना है, रणनीति भी बनानी है और ऐसा मैनिफेस्टो लेके आना है जिसमें जनता के कल्याण से जुड़ी योजनाएं हो, यहाँ पर जनता के फायदे की बात हो, चाहे जल भराव की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो और चाहे फॉगिंग की बात हो। अगर आपको बेहतर करना है, आगे बढ़ना है और अपनी पार्टी को आने वाले चुनाव में बेहतर करते नजर आना है तो निश्चित रूप से यहाँ पार्टियों को अपनी विचारधारा के साथ साथ यहाँ पर फेरबदल भी करना पड़ेगा, रणनीति बदलनी पड़ेगी, साथ साथ करना पड़ेगा ऐसा परिवर्तन जो आने वाले चुनाव में उस पार्टी को बेहतर परिणाम दिला सके। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जरूरत थी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।